हेलो हेलो, हाय हेलो। यस बच्चों, मैम, आ आवाज रही आ है। रही है मेरी? ओके यस चलिए, मैम, ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का टॉपिक जहाँ खत्म किया था वो था आपका यूजेस ऑफ एसिड बेस, और जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच देखा था। ठीक है, आज उसी के आगे स्टार्ट होगा बच्चों आप लोगों का टॉपिक, और आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो यूजेस ऑफ पीएच में हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग इस चैप्टर में एसिड और बेस की जनरल अवेयरनेस, क्या किस फॉर्मूले से या किस डेटा से हमें एसिड और बेस का आइडिया हुआ, उसका इंडिकेटर, साथ ही साथ उसमें आपने डिस्कस की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की, होने वाली केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर देखी, हमने उसी के अंदर पीएच भी देखा, पीएच स्केल का आइडिया भी लिया। आज जो आपका टॉपिक है बेटा उसका नाम है कॉमन सॉल्ट्स, या आप बोल सकते हैं कॉमन कंपाउंड फॉर्म बाय एसिड एंड बेस। एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से कुछ इम्पोर्टेंट जनरल कंपाउंड कॉमन बनेंगे, हम लोग उनका बेसिक आइडिया गेन करेंगे। नंबर वन आपके पास आता है, उसका नाम ही है कॉमन सॉल्ट। उस कॉमन सॉल्ट को हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वी कैन से टेबल सॉल्ट, ये सब उसी के नाम है। दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। इसी में आपके पास आएगा बेटा इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम हो जाता है इस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। दैट इज नेम, फॉर्मूला विल बी NaCl। क्लियर है यहां तक? विजिबल है, बस मुझे ये बताते रहिएगा जब किसी बच्चे को विजिबिलिटी यस में, मैम। ठीक है, कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना बेटा। ओके ओके चलिए। सो जब हमने NaCl की बात कर ली, हमने उसका कॉमन नेम या उसका केमिकल नेम डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर आता है कहाँ से ये मिलेगा। तो सोर्स, एक सेकेंड बच्चों, एक बच्चे ना लेट भी हो जा रहे हैं क्लास में आने को। अब इसके बाद जो बच्चा आएगा मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी क्योंकि इट्स क्वाइट लेट, फिर डिस्टर्ब होती है बार बार क्लास। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं टेबल सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है। तो द सोर्स इज सी वाटर, यानी हम सॉल्ट बनाना है तो हमें कहाँ से मिलेगा ये वाला सॉल्ट? तो बेटा हमें ये सी वाटर से मिलता है। सी वाटर को हम क्या करते हैं, हम इवेपोरेट करते हैं बड़े ही लेवल पर, तो वहां से आपका बेटा पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो आपके पास सॉल्ट है वो बचा रह जाता है। उस सॉल्ट को हम लोग लेकर आते हैं और रिफाइन करते हैं तो बन जाता है आपका कॉमन सॉल्ट। इसमें ज्यादा कुछ आपको डिस्कस नहीं करना है कॉमन सॉल्ट के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर वन, इट इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कलरलेस है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में है
और ये व्हाइट बेसिकली हमें लगता है, बट हम उस व्हाइट को कंसिडर ना करके ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं. व्हाइट ट्रांसपेरेंट दोनों को ही बेसिकली क्या कंसिडर किया जाता है, कलरलेस. क्रिस्टल है क्योंकि निडल शेप इसकी प्रॉपर्टी रहती है, छोटे छोटे से बहुत ही प्यारे से ट्रांसपेरेंट शेप में ये क्रिस्टल शो करते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं इट इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. सेकेंड, एट लो टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन डाइहाइड्रेट. मैम नीचे वाला नहीं छूगा. ओके थैंक यू. आप दिख रहा है बेटा? यस मैम. एट लो टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन डाइहाइड्रेट फॉर्म. डाइहाइड्रेट मतलब NaCl.2H2O. अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और लो टेम्परेचर की रेंज है बेटा 0 से 20 डिग्री सेल्सियस. 0 से 20 डिग्री सेल्सियस अगर इस समुद्र से निकले सॉल्ट को प्रोवाइड कराया जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCl.2H2O. क्लियर है? यस मैम. इट इज सॉल्युबल इन वॉटर. ये तो हम अच्छे से जानते हैं, नमक को पानी में हम डिसॉल्व कर सकते हैं. फिर इसकी आती है यूजेस, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी बात है बेटा, इसका पहला यूज क्या होगा, यूज इन कुकिंग. खाना वाना बनाने में हम नमक का यूज करते हैं बेटा, एज वेल एज सिर्फ कुकिंग के अलावा और कहाँ कहाँ ये यूज किया जा सकता है, हमें उसमें फोकस करना है. इट इज यूज टू मेक वॉटर. क्या वॉटर बनाने में नमक का काम क्या आएगा बेटा? इट इज यूज टू मेक वॉटर, लिख दिया मैंने गलती से. इट इज यूज तुम्हारे वॉटर बोलने के चक्कर में, सॉरी. इट इज यूज टू मेक फ्रीज या फ्रीजिंग मिक्सचर. बर्फ को मेंटेन रखने में काम आता है. मैम इट एड्स टेस्ट इन फूड. यस वो तो मैंने लिखी दिया, यूज इन कुकिंग. ठीक है. और फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब मेकिंग आइसक्रीम. म्यूट रखिए प्लीज, जब तक कुछ बोलना ना हो आप अनम्यूट मत करिए बेटा. आप लोगों ने देखा होगा बर्फ को जमा रखने के लिए यानी स्टेबल रखने के लिए या आइसक्रीम बनाने के लिए हम नमक का यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा. अगर आप बर्फ का बहुत बड़ा सा मतलब बेसिकली बर्फ बहुत लार्ज अमाउंट में आइस लेकर आते हो तो आप उसके चारों तरफ नमक लगा देते हो जिससे वो मेल्ट ना हो. तो बर्फ को मेल्ट होने से बचाने के लिए भी नमक का यूज किया जाता है. क्लियर है? और कहाँ इसे यूज कर सकते हैं? यूज टू प्रिजर्व मीट. यस यू प्रिजर्व मीट. यूज टू मेक कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एटसेट्रा. एंड ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट. क्लियर है? This is your first, that is common salt, sodium chloride. Now, second compound हमें जो discuss करना है वो सीधा आ गया आपका caustic soda. Caustic soda का chemical name होता है sodium hydroxide. And the formula is NaOH. Is that clear? दिख रहा है सबको? आपके पास आता है इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे?
तो बेटा इसकी प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, पीछे की नहीं थी, इसीलिए हमने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया। इसकी प्रिपरेशन में आपके सामने क्या डेटा आने वाला है? तो प्रिपरेशन आती है, उसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। एंड द क्लोर अल्कली प्रोसेस कंटेन व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पानी के साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन गिव कास्टिक सोडा विच इज ऑल्सो नोन एज एल्कली एंड हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। तो दीज टू इज नोन एज क्लोर, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज क्लोर एल्कली। इज दैट क्लियर? सो आप फर्स्ट वी हैव टू चेक NaCl विच इज सॉलिड इन नेचर, इट पुट इन वॉटर विच वॉज लिक्विड इन नेचर, पास द इलेक्ट्रिसिटी इन इट एंड इट विल गोइंग टू गिव द डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ नॉट एग्जैक्टली। So it will form NaOH, that should be aqueous, and one hydrogen gas, upside arrow, and one chlorine gas. मैंने इसे टाइप बोला था, मैंने इसे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला। तो मैं अपने वर्ड्स के साथ क्यों चेंज कर रही हूँ? क्योंकि अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो NaOH बनाता और HCl बनाता, जबकि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को गैसियस स्टेट में कंसीडर करा है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और वो इलेक्ट्रोड कौन होते हैं बेटा? कैथोड और एनोड। क्लियर है? तो एट कैथोड क्या हुआ होगा? जब NaCl और पानी को तोड़ा गया होगा या NaCl और पानी को मिक्स किया गया होगा तो Na plus Cl minus H plus OH minus आया होगा। तो बेटा H plus कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, तो H plus को मिलता है इलेक्ट्रॉन, दो दो कर देते हैं जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है H2, और Na plus और OH माइनस मिलकर NaOH जो बना रहे थे, ये कहाँ बनता है बेटा? इट इज नियरली कैथोड। ये क्वेश्चन बन जाता है आपके पास। तो एनोड पर क्या बना होगा? क्लोरीन, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के पास वो जाता है जिसपे हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो Cl भी हम दो ले लेते हैं जिससे ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने आप को Cl2 बना लेगा। Say yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, अब आप जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, वापस से लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था कास्टिक सोडा, सॉरी कॉमन सॉल्ट में इट इज यूज्ड टू मेक कास्टिक सोडा, बना के दिखाया मैंने अभी। Yes ma'am. मैंने नीचे लिखा था इट इज यूज्ड टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, तो कहां से ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर में सोडियम नहीं होता, तो कैसे बनता है वो जरा देखिए। तो यहां पर बेटा आपके पास आते हैं यूजेस, तो यूजेस के लिए आपके पास क्या आता है? कास्टिक सोडा कहां कहां यूज किया जाता है? तो यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट पहली चीज, ओके। और क्या करता है? इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और कहाँ यूज किया जाता है? Cl2 जो कि इस ऊपर बना इज यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। तो समझ में आया? NaCl यूज नहीं हो रहा है,
मगर NaCl की वजह से बनने वाली क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आ रही है. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए आई एम गोइंग टू चेंज द पेज. सो नेक्स्ट आपके पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा किया, जिसको हमने नाम दिया था कास्टिक सोडा भी. तो थर्ड आता है आपके पास, उसका नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉमन नेम. इसका केमिकल नेम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. द फॉर्मूला इज बिकम CaOCl2. ये कैसे प्रिपेयर होता है? प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम. ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बेटा इसके दो नाम है, ड्राई में इसका नाम है ड्राई स्टेट में स्लेट लाइम, और एक्वस या लिक्विड स्टेट में इसका नाम है लाइम वाटर. बस याद रखना है फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है. जब हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो हमें ड्राई स्टेट चाहिए, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन. ये ड्राई है तो आई कैन टेक सॉलिड, क्लोरीन गैस हमने इसमें पास कराई तो बन गया CaOCl2 प्लस वाटर. क्लियर है? यस मैम. ठीक है जी, अब आती है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन. अगर ब्लीचिंग पाउडर एयर में फ्रीली रख दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और Cl2 अलग हो जाता है, तब ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है क्विक लाइम यानी चूना बन जाता है ये, और ग्रीनिश येलो गैस इवेपोरेट हो जाती है. तो हम इसका फिर वो यूज नहीं कर पाते जो हमें चाहिए, यानी इट विल यूजलेस. भाई क्लोरीन उड़ गई, क्योंकि क्लोरीन Cl2 बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट. तो ब्लीचिंग पाउडर से जब ब्लीचिंग एजेंट ही उड़ गया तो आप क्या यूज कर पाओगे? कुछ भी नहीं. क्लियर है? इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस क्या है? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने में, कपड़ों के कलर चेंज करने में बड़ा यूज है इसका. फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ये कपड़ों को कलर उड़ाने या कलर करने के काम आता है. और क्या यूज करता है इसका? तो ये बेटा टू डिसइंफेक्टेंट वाटर, जिसे आप ये भी कह सकते हो स्टरलाइज करता है पानी को, पानी में से जर्म्स किल करता है. क्लियर है? मैम थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए. आप ठीक है बेटा? यस मैम. पानी में से कीड़े मकोड़े मारने के काम आता है, साथ ही साथ इन लॉन्ड्री में क्या कर सकते हैं हम? रिमूव हार्ड स्ट्रेन, ग्रीस के, चॉकलेट के, या किसी भी भारी स्ट्रॉन्ग दाग आपके कपड़ों पे पड़ते हैं
वहां हम ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. चलिए, अब जब ब्लीचिंग पाउडर हो गया तो अब आपके पास क्या आता है? फोर्थ आपके पास आता है, उसका नाम है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं. द फॉर्मूला इज NaHCO3. इसको बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस यूज करना है उसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस. करते क्या है? अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही पास कराते हैं किसमें? NaCl प्लस H2O. NaCl और H2O को एक नाम दिया जाता है विच इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन में आपने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो यहाँ पर बनकर आता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3. यही तो हमें चाहिए था. क्लियर है? आप कुछ बात NaHCO3 के साथ अगर H2SO4 कंबाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ NaHCO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर. आग बुझाने के लिए ये काम आता है. कौन सा कॉम्बिनेशन? बेकिंग सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड. अगर आपके बेकिंग सोडा के साथ, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर. यानी किसके काम आता है? यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, केक पेस्ट्री वगैरह बनाने के बेटा जो काम आता है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन आएगा आपके पास. विच एसिड इज यूज इन बेकिंग सोडा टू मेक द बेकरी प्रोडक्ट फ्लफी? सो द आंसर इज टार्ट्रिक एसिड. और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर है? NaHCO3 also used as antacid to remove its acidity remove from stomach. Yes, to remove acidity from stomach. Very good, bacha. Phir ek question aur. What happens when sodium bicarbonate heated up? अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो आंसर आता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. क्लियर है? ओके बच्चों. यस मैम. चलिए फिर. हाँ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? चलिए, आपने कौन कौन से देख लिए? थर्ड फोर्थ भी हो गया. नाउ अब हम देखने जा रहे हैं बेटा फिफ्थ. तो फिफ्थ आता है आपके पास वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का नाम हाइड्रेट सोडियम
कार्बोनेट। फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3.10H2O। इसको भी प्रिपेयर करने के लिए वही प्रोसेस यूज किया जाएगा, दैट वॉज सॉल्वे प्रोसेस। तो वही NaCl प्लस वॉटर, दैट वॉज ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड अप, इल कन्वर्ट Na2CO3 प्लस पानी प्लस CO2 एंड दिस सोडियम कार्बोनेट react with 10 amount of water, which is called water crystallization. It will form Na2CO3.10H2O. Difference samajh mein aaya? Yes or no? Yes, ma'am. Good. अब बच्चा इसका छोटा सा पॉइंट है, अगर वॉशिंग सोडा को आप एयर में रख देते हैं तो ये अपने में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्री रख देते हैं, तो ये अपने में से 9 moles रूम टेम्परेचर पर 9 moles ऑफ वाटर निकाल देता है। बाकी के बचे हुए एक पानी को निकालने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ता है अबव रूम टेम्परेचर, यानी बेसिकली बॉईल करना है, तब ये क्या करता है अपने में से बचा हुआ पानी निकालता है और इसको कहते हैं सोडा ऐश। क्लियर है? फिर आते हैं बेटा आपके पास यूजेस। वॉशिंग सोडा के यूजेस तो बहुत ही पता है हमें, क्लियर। यूज टू क्लीन क्लोथ, दूसरा इट यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यस। यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूजेस इन बोरेक्स फॉर्मेशन, यस। यूज टू मेक बोरेक्स कॉमा ग्लास कॉमा पेपर इंडस्ट्री। मैम हार्ड वाटर क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा। वाटर आपके पास होते हैं दो, एक होता है सॉफ्ट एक होता है हार्ड। हार्ड का मतलब ये नहीं है कि पत्थर पड़े हैं उस पे। सॉफ्ट वाटर होता है जो फॉर्म लेदर, यानी क्या बनाता है, झाग बनाता है, किसके साथ, विद सोप और डिटर्जेंट, जो आसानी से झाग बना दे वो सॉफ्ट वाटर, कैन नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। वो वाटर कौन? हार्ड। जी क्लियर है, ये इसका मेन क्राइटेरिया है जिससे हम पानी की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा पानी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो हार्ड या सॉफ्ट है? तो सॉफ्ट वाटर की तो बात ही नहीं है। हार्ड वाटर का फार्मूला क्या होता है? किसका बेटा? बोरेक्स। आपके सिलेबस में तो नहीं है मगर मैं आपको बता जरूर दूंगी, Na2B4O7.10H2O। थैंक यू मैम। दिस इज बोरेक्स, नो इशू बेटा। क्लियर है? मगर ये सिलेबस में नहीं है तो प्लीज आप लोग लर्न करके और ये सोचें एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड वाटर भी सिलेबस में नहीं है बट मैं बता जरूर दूंगी। हार्ड वाटर का मतलब है
वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. मतलब कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट इन वाटर मेक्स इट हार्ड. क्लियर है बच्चा? जिसने हार्ड पूछा था उसको क्लियर हुआ? वेरी गुड. ओके, अब आपके पास एक दो कॉन्सेप्ट और बताऊंगी, फिर नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी. आपके पास आता है वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्मूले. वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्मूला मतलब कि जिन जिन के पास क्रिस्टलाइजेशन के बाद पानी मिलता है, तो सबसे पहले तो आपके पास वॉशिंग सोडा था ही, दैट इज Na2CO3 .10 अमाउंट ऑफ वाटर. दूसरा आता है आपके पास आप बोल सकते हो उसे ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O. एक आता है आपके पास इप्सम, दैट इज MgSO4.7H2O. एक आता है आपके पास ग्लोब्यूलर सॉल्ट दैट इज Na2SO4.10H2O. एक अभी हम पढ़ने ही जा रहे हैं, जिप्सम CaSO4.2H2O, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O. एक आपने देखा बोरेक्स, दैट इज Na2B4O7.10H2O. बट आई मीन टू से कि जिस फॉर्मूले में पानी के मॉलिक्यूल्स अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें ही हम वाटर क्रिस्टलाइज कहते हैं. से यस और नो? यस मैम. लास्ट दैट इज जिप्सम, दैट शुड बी सिक्स्थ नंबर, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP. तो जिप्सम का कॉमन केमिकल नेम है हाइड्रेट या डाइहाइड्रेट, लिख देती हूँ, डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट. CaSO4.2H2O. वहीं पर आपके पास आता है POP. POP का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा आपके पास? हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट. दिस इज CaSO4.5H2O. मार्केट में ये मिलता है, दिस इज अ पाउडर्ड फॉर्म. दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस.
सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? जिप्सम। सॉफ्ट कौन? पीओपी। कैसे बनता है? मार्केट से आप किस फॉर्म में होता है जिप्सम बेटा? वाइट सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं बेटा जिप्सम। ओके तो हम जिप्सम तो बना रही हूँ, देखो मार्केट में आप पीओपी खरीद कर लाए, बिल्कुल आराम से मिल जाती है बेटा। पीओपी आपने खरीदी, इसे कूल करा आपने। कूल कैसे करेंगे? बाय एडिंग वाटर। अभी देखना पीओपी लाए और उसमें पानी डालो, जैसे ही आप उसे पानी डालोगे तो एकदम हार्ड हो जाएगी वो 2 मिनट के अंदर ही, इतना हार्ड जस्ट लाइक अ पत्थर। तो फेक रॉक, हाँ जी फेक रॉक जो मूवीज वगैरह में बनते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं वो बिल्कुल ही आपका स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। मूवीज वगैरह में जो सेट बनते हैं ना, अलग अलग सेट दिखाई देते हैं आपको कि किसी का घर, ये सब जो घर बना देते हैं, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स खड़े कर देते हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइट वेटेड एज वेल एज मेड बाय पीओपी। खाली पीओपी से नहीं, पीओपी में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज जिप्सम। जिप्सम फ्रैक्चर बोन्स को जोड़ने के काम आती है। इसी जिप्सम को जब हीट करेंगे तो वो क्या बना लेगा बेटा? 373 केल्विन पर वो वापस क्या बना लेगा? पीओपी। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। द मेजर पॉइंट इज टेम्परेचर शुड नॉट अलाउ टू राइज अबव 373 केल्विन। अगर आप कन्वर्ट करने में टेम्परेचर 373 से ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा? इफ इट मोर देन 373 केल्विन, गलती से किसी ने इसका टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो क्या बनता है बेटा? डेड कॉपर, ये सॉरी कैल्शियम सल्फेट फॉर्म, जिसको हम एनहाइड्रस भी कहते हैं। मतलब देखिए, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू हीट अप 375 केल्विन या मोर देन 373 केल्विन। तो आंसर आएगा CaSO4 और पूरा पानी अलग, इसको बोलते हैं डेड। क्लियर है? यस मैम। यस और नो? अब आता है लास्ट, इसका यूजेस। यूजेस क्या है? फॉर मेकिंग टॉयज, पॉटरी, सिरामिक एटसेट्रा, या फॉर मेकिंग, यस सीलिंग जिसे कहते हैं, फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड डेकोरेटिव मटेरियल, यूज एज फायर प्रूफिंग मटीरियल, और कहाँ यूज कर सकते हैं? वो तो हमने लिख ही दिया डेकोरेटिव करने के लिए। इन मेडिकल साइंस किसमें? एज प्लास्टर बोन फ्रैक्चर, यस फॉर सेटिंग ब्रोकन, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, सीमेंट इंडस्ट्री,
क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यहाँ मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी बुक करेंगे तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस हैं उससे आपको इनका आंसर मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से पीएच पे आता है, या दे कैन यूज द फॉर्मूला कि भाई किसका फॉर्मूला क्या है। राइट डाउन द फॉर्मूला, किसी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, राइट डाउन द नेम, या व्हाट विल बी द पीएच ऑफ एन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस, या सपोज ए एंड बी आर अ सॉल्यूशन विच कंटेन पीएच ए का है 5 एंड बी का पीएच है 3, तो आउट ऑफ दीज टू विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका पीएच होगा कम उसका एसिडिक नेचर होगा ज्यादा। इज दैट क्लियर? हेलो। या तो बेटा आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, नेम एंड डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और व्हाई इज दिस प्रोसेस सो नेम्ड, इसका क्यों प्रोसेस का नाम रखा गया है, कास्टिक सोडा बनाने वाले प्रोसेस का रीजन, क्योंकि कास्टिक सोडा बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती है और उसी के अंदर हम सॉल्यूशन में उसे पास कराते हैं, तो वहां पर कंपाउंड भी बनता है और गैसियस सब्सटेंस भी बनते हैं, इसी वजह से उसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस रख दिया। या तो आपसे यूजेस पूछे जाएंगे या आपसे इनके नाम पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यस मैम। अब अगली क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे मेटल नॉन मेटल। ओके बच्चों? यस। थैंक यू। एक सेकंड, आप लोग कोई अभी लेफ्ट मत करना बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। चलिए, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।